सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बोहेमियन रैप्सोडी मूवी के बारे में, जिसका फाइनली एक टीजर आया है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इस फिल्म की स्टोरी बेस है फ्रेडी मर्क्यूरी और उसके बैंड क्वीन पर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री है और इस फिल्म की स्टोरी बेस है फ्रेडी मर्क्यूरी पर, तो फिर इस फिल्म का नाम बोहेमियन रैप्सोडी क्यों रखा गया? वेल, ये नाम इस बैंड का तो नहीं, लेकिन इस बैंड का अब तक का सबसे फेमस सॉन्ग का नाम है, क्योंकि इस सॉन्ग ने हिस्ट्री क्रिएट की थी और एक ऐसी चीज दी थी जिसके बारे में किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। जी हाँ, ये सॉन्ग ऑपेरा, हार्ड रॉक, इन सब चीजों को मिलाकर बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये गाना पूरे 6 मिनट का था, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। अब ये सारी डिटेल क्या है वो तो हमें फिल्म में ही पता चलेगी, क्योंकि अगर मैं आपको वो सब स्टोरी बताने बैठूंगा तो वो एक बड़ा स्पॉइलर होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका फिल्म देखने से पहले ही फिल्म देखने का मजा खराब हो जाए। तो जब ये फिल्म आएगी हम बैठकर उस पर डिस्कस जरूर करेंगे। और अब आ जाते हैं इस फिल्म पर। तो पहले इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे ब्रायन सिंगर। उन्होंने लगभग इस फिल्म को आधा कम्प्लीट कर लिया था, लेकिन फिर कुछ रीजन हुए, जैसे कि इस फिल्म के एक्टर रैमी मैलिक से उनका झगड़ा, उसके बाद की दूसरी कास्टिंग से, जिसके बाद कंपनी ने उन्हें हॉलीडे स्पेंड करने के लिए भेजा और फिर उनकी जगह दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, क्योंकि ब्रायन सिंगर नहीं चाहते थे कि वो इस फिल्म को अब आगे डायरेक्ट करे। तो फिर इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए कंपनी ने डेक्स्टर को बुलाया, जिन्होंने इसके पहले एडी द ईगल मूवी डायरेक्ट की है। तो फिल्म के टीजर को देखकर ये पता चलता है कि डेक्स्टर और ब्रायन सिंगर ने मिलकर एक मास्टरपीस क्रिएट किया है, और रैमी मैलिक को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सच में फ्रेडी मर्क्यूरी ही है। और फिल्म के टाइटल से ऐसा लग रहा है कि फिल्म की स्टोरी शायद इसी सॉन्ग पर है, कि उन्होंने इस सॉन्ग को बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले थे। लेकिन अगर इस फिल्म में फ्रेडी मर्क्यूरी की पर्सनल लाइफ दिखाई जाएगी तो फैंस उस चीज को और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि फ्रेडी मर्क्यूरी की लाइफ भी काफी कॉन्ट्रोवर्शियल थी, जैसे कि उनका गे होना और उनकी मौत, वो भी एड्स से, जिसकी बात काफी फैंस से छुपाई गई, और ये बात सिर्फ फ्रेडी मर्सी के बैंड और घर वालों को पता थी। तो अगर ये सब चीजें फिल्म में होगी तो फिल्म डेफिनेटली हिट ही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इस बैंड को आज भी लोग पहचानते हैं। और अगर जिन्हें नहीं पता है तो मैं उन्हें एक बार याद दिला दूं कि इस बैंड ने इस सॉन्ग के अलावा वी विल रॉक यू जैसा सॉन्ग भी परफॉर्म किया है, ये इसी बैंड का सॉन्ग है। और अंडर प्रेशर सॉन्ग के बारे में तो मैं भूल ही गया। ऐसी काफी सारी सॉन्ग है जिन्हें इस बैंड ने गाया है। और रैमी मैलिक के साथ साथ हमें इस फिल्म में एक और एक्टर नजर आए जिनका नाम है ईडन गिलन। बाकी के सभी एक्ट्रेस इतने नोन नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस फिल्म के टीजर को लेकर मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म का टीजर कितना पसंद आया। और मेरे हिसाब से आपको ये टीजर पसंद ही आया होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में वो सब लेजेंड सॉन्ग जो बजते हैं, जो 80s की यादों को ताजा करते हैं। तो जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।